जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है, मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट। जी हाँ, इंडियन आर्मी के अंतर्गत आप लोग जो है मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट में आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि आप लोग की हेडक्वार्टर साउथर्न वेस्टर्न कमांड में आप लोग की। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोग के लिए निकल के आ रही है। इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन मेरे पास है तो मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये फुल नोटिफिकेशन है हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड के अंतर्गत, जो कि आप लोग की मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट में आप लोग की वैकेंसी की पूरी जानकारी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन नागरिक है तो अप्लाई कर सकते हैं। 45 दिन लास्ट डेट रहने वाली है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे निकल के आ रही है। मैं आप लोगों को बता दूँ, 65 वैकेंसी है। जी हाँ, 65 वैकेंसी है। 45 दिन तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 14/5/2022 से आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई होंगे और 27 जून 2022 तक आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करेंगे जालंधर कैंट में। जी हाँ, मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट की वैकेंसी है, जो कि आप लोग की हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड के अंतर्गत आती है। तो वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कोई दिक्कत नहीं है। बार बार की वैकेंसी निकल के आ रही है, बार बार की 2 वैकेंसी है आप लोग की। 18 से 25 साल में आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ एज को लेकर के। जनरल से हैं आप लोग तो 18 से 25 साल एज रहेगी किसी भी पोस्ट के लिए, और यदि आप लोग ओबीसी से हैं तो 18 से 28 और एससी एसटी से तो 18 से 30 साल आप लोग की एज रहने वाली। तो बार बार के लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन, यदि आप लोग 10th पास हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग की चौकीदार की 11 वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी चौकीदार की निकल के आ रही है, जो कि आप लोग की यहाँ पे लेवल 1 की यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्टों पे आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल आप लोग को मिलने वाली है। कुक की 4 वैकेंसी निकल के आ रही है, 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुकिंग की जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप लोग की बार्बर की पोस्ट के लिए बार्बर की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसी प्रकार से आप लोग के नीचे जो 1 वैकेंसी निकल के आ रही है, वो स्टैटिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। ये 1 वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो है आप लोग थोड़ी हायर क्वालिफिकेशन की है। डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए, आप लोग के पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे, इकोनॉमिक स्टैटिक या मैथमेटिक्स, ठीक है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग के पास है डिग्री में तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं BA BSc BCOM में, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के पास 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया, स्टैटिकल वर्क या फिर रिसर्च से रिलेटेड, गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर ऑफिस या फिर कमर्शियल कंसर्न में आप लोग के पास एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए डिग्री के साथ साथ, 2 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री में इकोनॉमिक स्टैटिक और मैथ में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 1 वैकेंसी है स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा बाकी सभी वैकेंसियाँ यहाँ पे 10th क्लास पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी आप लोग देख सकते हैं, ट्रेड्समैन मेट की भी 8 वैकेंसी निकल के आ रही है, 10th क्लास पास ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से वाशरमैन की 12 वैकेंसी है, सभी के लिए वैकेंसी है यहाँ पे आप लोग की। 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो मिलिट्री क्लॉथ वगैरह होती है, इसके धोने की जानकारी होनी चाहिए, वाशिंग की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आप लोग को अपने कार्य की जानकारी होनी चाहिए, बस और कोई दिक्कत नहीं। सफाई वाला की 27 वैकेंसी। जी हाँ, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। सफाई वाला की 27 वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आप लोग देखेंगे 65 वैकेंसी निकल के आ रही है। जी हाँ, 65 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। और जो आप लोग की ट्रेड ऊपर दी गई है, ये आप लोग की यूनिट के नाम दिए गए, इन यूनिट्स में जो है आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी BH दिल्ली, MH अम्बाला, ठीक है, मिलिट्री हॉस्पिटल अमृतसर, मिलिट्री हॉस्पिटल कौसोली प्लम्बोर, ठीक है, इसी प्रकार जालंधर, इन सब जो है मिलिट्री हॉस्पिटल में आप लोग की वैकेंसी है, ठीक है। जनरल को क्या लिखा जाता है, ओबीसी को क्या लिखा जाता है, इसकी जानकारी आप लोग को दी गई है। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी आप लोग को आने वाले समय में दी जाएगी। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया है सेलेक्शन जो आप लोग का होने वाला है रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार होगा, यानी कि आप लोग का रिटर्न एग्जाम यहाँ पे सबसे पहले होने वाला है, उसके बाद आप लोग का स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होने वाला है। चलिए, यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप लोग को लिंक दे दूँगा, लिंक पे क्लिक करके आप लोग जो है यहाँ वेबसाइट पे आ जाएंगे। जी आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोग को पूरी डिटेल मिल जाएगी वैकेंसी से रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी की जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोग को वैकेंसी से रिलेटेड 65 वैकेंसी है, 14/5/2022 से 27/6/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 5 की आप लोग की यहाँ पे सैलरी है 14/5/2022 से 27/6/2022। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे दे दी है, नॉर्मल आप लोग को जो शॉर्टकट में पूरी जानकारी दी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बार्बर के लिए 10th, चौकीदार के लिए 10th, कुक के लिए 10th, स्टैटिकल के लिए डिग्री, ट्रेड के लिए टेक, वाशरमैन के लिए
टेंथ फाइव वाला के लिए टेंथ, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को जानकारी दी गई है, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। फीस जी यहाँ पे फीस आप लोगों की लगने वाली 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगेगा इन फेवर ऑफ कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट के नाम से आप लोग का बनेगा। एससी एसटी वालों को कोई फीस यहाँ पे नहीं देनी है। एज की जानकारी दी गई, जनरल के 18 से 25, ओबीसी के 18 से 28, एससी एसटी 18 से 30 साल तक अप्लाई। सेंटर की जानकारी अभी नहीं दी, आने वाले समय में आप लोगों को सेंटर की जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा वैकेंसी की पूरी डिटेल दे दी गई, सफाई वाला की 27 वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी सफाई वाला की है और चौकीदार की आप लोग की काफी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके अलावा वाशरमैन की भी वैकेंसी काफी अच्छी है आप लोग की। चलिए इसके अलावा आप लोग के डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के डॉक्यूमेंट है, तो इसमें आप लोग बता दूँ ऑफलाइन अप्लाई होंगे जो कि 14/5/2022 14 मई 2022 से आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई होंगे। तो यदि आप लोग इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो मुझे बताइए, ताकि जैसे ही इसकी ऑफलाइन अप्लाई हो मैं आप लोग को इसका वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। जी हाँ, ये डॉक्यूमेंट आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई वाले, जब आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो आप लोग के डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग के लगने वाले। यदि आप लोग खुद अप्लाई कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट की जानकारी ले सकते हैं। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट की भी जानकारी मैंने आप लोग को दी है, जो मैंने खुद आप लोग के लिए लिखा हुआ। इसके अलावा फॉर्म कहाँ पे सेंड करना है इसकी जानकारी भी आप लोग को दे दी गई। जी हाँ, जालंधर कैंट आप लोग का जो मिलिट्री हॉस्पिटल वहाँ पे आप लोगों को फॉर्म सेंड करना है। सिलेबस की जानकारी भी आप लोग को दे दी गई, ट्रेड रिटन एग्जाम, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन उसके बाद आप लोग का होगा। इसमें आप लोग का सिलेबस है रिटन एग्जाम का। रिटन में आप लोग की जनरल इंटेलिजेंस मीन जनरल अवेयरनेस आने वाली 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आप लोग के होंगे। और 2 घंटे का आप लोग को टाइम मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है 1/4, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी। 10th लेवल का आप लोग का पेपर होगा और स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए आप लोग का ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पे पेपर होने वाला है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, लेकिन यदि आप लोग स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएट लेवल का आप लोग का पेपर होना। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आप लोग को दिया, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आप लोग जो है नोटिफिकेशन आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। तो ये आप लोग का नोटिफिकेशन है, मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है, ठीक है। पेंशन स्कीम है, न्यू डिफेंस पेंशन स्कीम, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लगने वाली है 25 रुपये का बीजी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सभी डॉक्यूमेंट आप लोग को साथ में सेंड करने हैं जो कि आप लोग के सेल्फ अटेस्टेड होंगे। एक एनवलप आप लोग को भेजना है जिसमें कि 25 रुपये का डाक टिकट लगा, और सभी को भेजना है। और 100 रुपये का यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर सिर्फ जनरल ओबीसी एससी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को लगाना है। मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी, एससी एसटी वालों को कोई फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है, ठीक है। किसके नाम से बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को आने वाले समय में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा डोमिसाइल आप लोग को लगाना है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो आप लोगों को डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगानी पड़ेगी, हाई स्कूल की कॉपी आप लोगों को लगानी पड़ेगी, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी से आते हैं तो उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। और इसके अलावा बाहर वाले लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप लोग लिखेंगे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कैटेगरी आप लोग की क्या है वो भी आप लोग लिखेंगे, जनरल ओबीसी एससी वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जो है एप्लीकेशन, यानी कि आप लोग एक से अधिक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखोगे जी, वरना आप लोग बार बार ये चीज़ें पूछते हैं। देखिए, एक से अधिक फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट फॉर्म आप लोग को सभी के लिए अलग अलग फॉर्म भेजना पड़ेगा। थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर वगैरह आप लोग जरूर करेंगे, हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आप लोग जो है अपने अरेंजमेंट में एग्जाम देने के लिए जाएंगे, यानी कि अपने खर्चे से आप लोग एग्जाम देने जाएंगे। एड्रेस आप लोग को दे दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट किसी भी तरीके से, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग सेंड कर सकते हैं। कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट आप लोग का एड्रेस रहने वाला 14/40/05, ठीक है। तो ये आप लोग को पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद जैसे ही आप लोग रहते हैं रिजेक्ट सेशन का, तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट क्यों होगा इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग सिग्नेचर नहीं करते हैं, गलत फॉर्म भरते हैं, मोहर नहीं मीन्स आप लोग थंब इंप्रेशन वगैरह नहीं लगाते, तो आप लोग को फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 45 दिन आप लोग की लास्ट डेट रहने वाली, यानी कि 27 जून 2022 तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस मैंने आप लोग को बता दिया, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, 2 घंटे का पेपर आप लोग का होने वाला है, ठीक है। आप लोग का सभी जो है 10th लेवल का होगा, लेकिन जो स्टैटिकल असिस्टेंट का पेपर है वो आप लोग का ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद आप लोग को एप्लीकेशन की डिटेल दी हुई, एप्लीकेशन आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को जैसे ही इसकी ऑफलाइन अप्लाई स्टार्ट होता है मैं आप लोग को न्यू फॉर्म अप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का नाम लिखना पड़ेगा, और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, डेट क्या है आप लोग लिखेंगे, एक फोटो आप लोग चिपकाएंगे जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा। जी हाँ, 2 फोटो आप लोग को यहाँ पे लगानी है और 2 फोटो आप लोग को साथ में सेंड करनी है, सभी फोटो आप लोग के सेल्फ अटेस्टेड होने वाले। एड्रेस आप लोग को दिया, अपना नाम लिखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, फादर नेम लिखेंगे, हस्बैंड नेम लिखेंगे, मदर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एज आप लोग की क्या है, लास्ट डेट को लास्ट डेट, यानी कि आप लोग 27/6/2022 को लास्ट डेट क्या, एज क्या है आप लोग लिख देंगे, किस कैटेगरी से आते हैं उस पर टिक करके आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा नेशनलिटी है इंडियन आप लोग लिखेंगे, रिलीजन हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप लोग लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखेंगे, और इसके अलावा परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है आप लोग का जहाँ पे कि आप लोग को पत्राचार किया जाए, आप लोग जहाँ पे अभी अवेलेबल है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आप लोग का मूल निवास होता है, ठीक है। तो दोनों सेम है तो सेम लिख देंगे, अलग अलग है तो आप लोग अलग अलग लिख देंगे। ईमेल आईडी आप लोग लिख देंगे, ईमेल आईडी नहीं तो आप लोग बना लेंगे। इसके अलावा आप लोग जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देंगे, यानी कि 10th 12th वगैरह जो भी आप लोगों ने कर रखा है वो चीज़ आप लोग देंगे, और जो चीज़ें आप लोगों से मांगी गई है वो जरूरी है वो आप लोग जरूर देंगे।
इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आप लोग दे देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। इसके अलावा यदि आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह हैं तो उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पर देनी है, नहीं तो आप लोग छोड़ देंगे। ठीक है, सिग्नेचर आप लोग कर देंगे नीचे, ध्यान रखेंगे सिग्नेचर बहुत जरूरी है। डिक्लेरेशन है आप लोग का, नीचे आएंगे यहाँ पे आप लोग नाम लिखेंगे, सिग्नेचर लिखेंगे और आप लोग 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर लगा रहे हैं जनरल EWS OBC वाले, पोस्टल ऑर्डर का नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, कितने फोटोकॉपी आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी कि हाई स्कूल इंटर वगैरह जो भी जितनी भी फोटोकॉपी काउंट करके आप लोग ले देंगे। यहाँ पे आप लोग लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाएंगे यदि आप लोग मेल कैंडिडेट हैं, और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग राइट हैंड के अंगूठे का निशान लगाएंगे। फिर से आप लोग नीचे अपना नाम लिखेंगे और सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट के अंतर्गत आप लोगों की जो वैकेंसी निकली है, जो कि आप लोग की हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड के अंतर्गत आती है। तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जानकारी लूंगी चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग लगे। थैंक यू।